नमस्कार, रैड नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। रैड नेटवर्क के सियासी किस्से में आज बात स्वर्गीय जयललिता की। हम बताएंगे जयललिता के अम्मू से अम्मा बनने की दिलचस्प कहानी। बस बने रहिए हमारे साथ। देश में फिल्मी सितारों का सियासत में आना कोई हैरानी की बात नहीं, लेकिन इन सितारों का सियासत में सफल पारी खेलना थोड़ा मुश्किल जरूर रहा है, लेकिन दक्षिण भारत इसका अपवाद रहा है। ऐसा ही एक नाम है जयललिता का। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जयललिता की कहानी। जयललिता की कहानी फिल्मी तो नहीं है, लेकिन किसी फिल्म से कम भी नहीं। इस फिल्म में जयललिता ही नायिका थी और खुद वही अपनी फिल्म की निर्देशक थी। हम आपको बताने जा रहे हैं अम्मू के अम्मा बनने की कहानी। जे जयललिता की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। कहते हैं जो वह नहीं बनना चाहती थी, जिंदगी ने उसे वही बना दिया। कहते हैं जे जयललिता ना तो नेत्री बनना चाहती थी और ना ही अभिनेत्री, लेकिन उसके दिल में एक ही तमन्ना थी कि वो एक तेज तर्रार वकील बने। वो कोर्ट में वकील की ड्रेस में लंबी और दिलचस्प जिरह करना चाहती थी। वो लोगों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन शायद ऊपर वाले ने उसकी फिल्म की स्क्रिप्ट में कुछ और लिख रखा था और उसे कुछ और ही बना दिया। अम्मू यानी जे जयललिता स्कूल में टॉपर थी। उसे पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन वो फिल्मों से दूर रहना चाहती थी। शायद इसलिए कि जब वो सिर्फ 2 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो चुका था। तब उसकी माँ ने उसे बैंगलोर दादा दादी के पास छोड़कर तमिल फिल्मों में काम करने लगी। इस वजह से अम्मू करीब 10 साल तक अपनी माँ से दूर रहीं। अम्मू को लगता था कि फिल्मों की वजह से उसे अपनी माँ से दूर रहना पड़ता है। अम्मू नहीं चाहती थी कि उसकी माँ फिल्मों में काम करे। अम्मू को डांस करना भी पसंद नहीं था। जयललिता ने एक दफ़े कहा भी था कि जब उनकी माँ उनसे बेंगलोर मिलने आती थी तो वो अपनी माँ की साड़ी अपने कपड़े से बांध लेती थी, जिससे कि वो उन्हें छोड़कर ना जा सके। लेकिन अगली सुबह उन्हें तब बहुत निराशा होती थी जब उन्हें पता चलता था कि माँ जा चुकी है। जयललिता जब महज 13 साल की थी तो ये घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। हुआ कुछ यूँ था कि अम्मू अपनी माँ से मिलने फिल्म की सेट पर जा पहुँची। उस फिल्म में काम कर रही एक बाल कलाकार के ना आने पर निर्देशक ने उनकी माँ से अम्मू को उसका रोल करने को कहा। पहले तो जयललिता इस बात के लिए राजी नहीं हुई, लेकिन बात सिर्फ एक दिन की थी, इसीलिए जयललिता राजी हो गई और उस रोल को कर दिया। कुछ ऐसा ही तब हुआ जब जयललिता 15 साल की थी। उन्हें एक अंग्रेजी फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। इस बार भी जयललिता ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। उनकी माँ की आमदनी कम हो चुकी थी और परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत अब ज़्यादा थी, लिहाजा जयललिता ने फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। हालांकि जयललिता ने इसके लिए एक शर्त रखी थी। वो शर्त ये थी कि वो पढ़ाई से समझौता नहीं करेंगी और सिर्फ छुट्टियों के दिनों में ही फिल्मों में काम करेंगी। लेकिन एक बार जब जयललिता फिल्मों में काम करना शुरू की, उसके बाद घर की ज़रूरतों की वजह से
उन्हें लगातार फिल्मों में काम करना पड़ा। अपनी माँ की मौत के बाद जयललिता एकदम अकेली पड़ गईं और डिप्रेशन का शिकार होने लगीं। यही नहीं, कई दफ़े उन्होंने खुदकुशी की बात भी सोची, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात एमजी रामचंद्रन से हुई। अपनी दूसरी ही फिल्म में जयललिता को उस वक्त के सुपरस्टार एमजीआर के साथ काम करने का मौका मिला। दोनों ने साथ कई फिल्मों की और कई हिट फिल्में भी दी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आए। हालांकि दोनों की उम्र में 31 साल का फर्क था, मीडिया में दोनों की नज़दीकियों को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी। एक इंटरव्यू में अपनी सफाई पेश करते हुए जयललिता अपने रिश्ते को गुरु शिष्य का रिश्ता बताया था। जयललिता का कहना था कि एमजीआर उन्हें दुनिया के छल कपट से बचाकर रखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद जयललिता और एमजीआर में दरार आ गई, क्योंकि एमजीआर ने जयललिता के सामने शर्त रखी कि वे किसी दूसरे हीरो के साथ काम ना करें। लेकिन जब एमजीआर ने दूसरी हीरोइन के साथ काम करना शुरू किया तो जयललिता ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच अनबन तो हुई, लेकिन बाद में फिर विवाद सुलझ गया। कहते हैं एक बार राजस्थान के थार के रेगिस्तान में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान जयललिता नंगे पांव थी और उन्हें रेत में चलना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में एमजीआर ने जयललिता को गोद में उठा लिया था। एमजी रामचंद्रन सियासत में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। उन्होंने जब जयललिता को राजनीति में अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन जयललिता राजनीति से दूर रहना चाहती थी। लेकिन एक दिन एमजीआर की एक बात ने उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर कर दिया। साल 1982 में एमजीआर ने जयललिता से कहा कि वे बीमार हैं और सिर्फ जयललिता पर ही 100% भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें जया की ज़रूरत है। इसके बाद जयललिता राजनीति में आ गईं। एमजीआर और जयललिता के संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव आए। शुरुआत में एमजीआर ने जयललिता को अपनी पार्टी का प्रोपगेंडा सचिव बनाया, लेकिन पार्टी में भारी विरोध के बाद जयललिता को प्रोपगेंडा सचिव के पद से उन्हें हटाना पड़ा। जयललिता अंग्रेजी में तेज थी, लिहाजा एमजीआर ने उन्हें साल 1984 में राज्यसभा सांसद बना दिया। लेकिन इसके 3 साल बाद एमजी रामचंद्रन का निधन हो गया और जयललिता एक बार फिर अकेली पड़ गई। एमजीआर के परिवार वालों ने जयललिता को घर में घुसने भी ना दिया, उन्हें अपमानित भी किया गया। राजा जी हॉल में जहां एमजीआर का पार्थिव शरीर रखा था, जयललिता बहुत ही मुश्किल से वहां पहुंची और उसी में एमजीआर के सिरहाने में 2 दिनों तक खड़ी रहीं। इसके बाद जयललिता को एमजीआर के शव यात्रा में भी शामिल नहीं होने दिया गया। उन्हें उनके शव गाड़ी से जबरन नीचे उतार दिया गया। घोर अपमान के बाद भी जयललिता ने हार नहीं मानी और किसी न किसी तरह एमजीआर की शव यात्रा की हिस्सा बनी रहीं। बाद में एमजीआर की पत्नी जानकी ने जयललिता को पार्टी में हाशिए पे ला दिया, लेकिन जयललिता ने अपनी बारी का इंतजार किया। जब जानकी के नेतृत्व में पार्टी बुरी तरह हारी तो वे खुद चलकर जयललिता के पास आ गईं। इसके बाद 1989 में जयललिता कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और तमिलनाडु असेंबली में विपक्ष की नेता बन गई। उस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी जयललिता के करीबी थे। वे
चंद्रशेखर सरकार में मंत्री थे। चंद्रशेखर की सरकार ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसके बाद एक बार फिर से जयललिता ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 1991 में वे सबसे कम उम्र में प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गईं। एमजीआर के जाने के बाद जयललिता की जिंदगी में शशिकला आई और 1991 में उनकी पार्टी की फंड मैनेजर बनी। लेकिन 1996 आते आते शशिकला की वजह से जयललिता की काफ़ी बदनामी हुई। यही नहीं, कहा जाता है कि जयललिता को ऐसी खबरें मिली कि शशिकला उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं, तो जयललिता ने उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। करीब 4 महीने बाद शशिकला ने जयललिता से माफ़ी मांगी और वापस उनकी जिंदगी में फिर से आ गई। एक बार तमिलनाडु विधानसभा में AIDMK के नेताओं ने उनकी साड़ी खींच ली और उनके पल्लू को फाड़ दिया, उन्हें गालियां दी गई। इसके बाद जयललिता ने कसम खाई कि वो तब तक विधानसभा में नहीं आएंगी जब तक महिलाएं यहां महफूज ना हों। इसके बाद जयललिता फिर चुनाव जीती और उन्होंने इसका बदला लिया और करुणानिधि को आधी रात को गिरफ्तार किया गया। कहा जाता है कि अपना बदला पूरा होने के बाद जयललिता ने मंदिर में हाथी दान में दिया था। जयललिता हमेशा करुणानिधि की वैवाहिक स्थिति पर चुटकी लेती थी कि वो मुद्दों को सही तरीके से डील नहीं कर पाती क्योंकि उन पर परिवार का दबाव ज़्यादा होता है। अम्मा यानी जयललिता से करुणानिधि का हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। 2001 में ये अदावत चरम पर पहुंच गई। इसी दौरान जयललिता ने फ्लाईओवर भ्रष्टाचार मामले में करुणानिधि के घर पर आधी रात में पुलिस का छापा डलवाया और उनकी गिरफ्तारी करवाई। इस दौरान जयललिता ने बदले की भावना से काम करते हुए DMP पर कार्रवाई की क्योंकि इससे पहले 1996 में DMK ने जयललिता पर कई केस दर्ज करवाए थे और जयललिता के घर पर छापा भी पड़वाया। इस छापे में सोना, कपड़े और चप्पलों समेत तमाम चीज़ें वहां से जब्त की गई थी जिनकी तस्वीर मीडिया में आने पर काफ़ी दिनों तक इसकी चर्चा रही। 1998 में उन्होंने केंद्र में वाजपेयी सरकार को अपना समर्थन दिया लेकिन जब उन्हें लगा कि वाजपेयी सरकार को करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। जयललिता एक मजबूत और ताकतवर नेता थी लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप से वो भी नहीं बच सकी। 1996 के चुनाव में उनकी पार्टी AIADMK को करारी हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, जयललिता अपनी सीट तक नहीं बचा पाई कि बड़ी वजह उनके दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी में हुई करोड़ों रुपये का खर्च माना गया। 1996 से 2001 के बीच DMK की करुणानिधि सरकार ने कलर टीवी घोटाला और आय से अधिक संपत्ति के आरोप समेत भ्रष्टाचार के दर्जनों और मामले दर्ज कराए। 2001 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को फिर जीत मिली लेकिन तंसी घोटाले में दोषी पाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के मुख्यमंत्री बनने पर रोक लगा दी, जिस वजह से ओ पनीरसेल्वम को पहली बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया। दिसंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जयललिता को बरी कर दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। जयललिता 5 और 7 को अपना भाग्यशाली अंक मानती थी। यह भी विचित्र संयोग है कि उनकी मौत 5 दिसंबर 1916 की हुई।
उनकी मौत को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, जिस पर आज भी सस्पेंस बरकरार है। तो ये थी तमिलनाडु की अम्मा जे जयललिता की कहानी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।